कल्पना की मौत के बाद संजय का अगला कदम क्या होगा? क्या सुनीता संजय का प्यार बन पाएगी? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्रथ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। 6 दिसंबर कल्पना की दर्दनाक मौत और उसके बाद संजय का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकार हो जाना और ऐसे में संजय अपनी गर्लफ्रेंड कल्पना की मौत का बदला लेने में फेल हो जाता है और तभी मैं संजय के लाइफ में सुनीता की एंट्री होती है और सुनीता ही संजय को उस बीमारी से बाहर निकालने में मदद करती है और ताकि संजय अपना बदला ले सके। लेकिन इतने में हमें एक और क्लाइमेक्स देखने को मिलता है और संजय जिसने अपना नाम और पता सब बदल लिया है वो जा पहुंचा है जर्मनी में एक नए नाम डेनियल के साथ एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए। डेनियल जर्मनी में पिछले 3 साल से रह रहा है और उसको सुनीता ही वहीं लेकर चली गई थी, लेकिन अभी तक डेनियल अपनी याददाश्त वापस नहीं पा सका और इसलिए डेनियल हर 6 घंटे में अपने बिताए हुए समय को भूल जाता है और उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, इसलिए वो फिर से अपनी उस डायरी में सब कुछ लिखने लगता है। लेकिन सुनीता जो खुद एक डॉक्टर भी है वो अपनी और अपनी टीम की मदद से संजय और डेनियल को ठीक करने में लगी है और इतने में एक दिन डेनियल किसी गुंडे को एक लड़की की मारते हुए देखता है और उसको वो सब याद आता है जब गजनी धर्मात्मा धोखे से संजय को बोलता है, भाई भाई मुझे बचाओ, देखो गजनी को हम लोग पकड़ने आए थे और उसके लोगों ने मुझे कितना मारा है, वो बहुत खतरनाक है भाई, मुझे बचा लो। और इतने में वो संजय पर वार करता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और धर्मात्मा वहां से भाग जाता है और ये सब याद आते ही संजय मतलब डेनियल अपनी दोस्त सुनीता के पास जाता है और कहता है कि उसको अब याद आ चुका है और वो अब अपना बदला लेने इंडिया वापस जाता है और कल्पना के कातिल को ढूंढने लगता है। लेकिन इस बीच सुनीता को अपने दोस्त संजय सिंघानिया मतलब डेनियल से प्यार होने लगता है, लेकिन सुनीता चाहकर भी डेनियल को अपने प्यार का इकरार नहीं कर पा रही है क्योंकि वो जानती है कि शायद वो कल्पना की जगह ना ले सके क्योंकि कल्पना की वजह से डेनियल पहले संजय था और उसकी जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही एक ह्यूमर भी था, जैसे कल्पना ने एक झूठी कहानी सुनाकर भी संजय को अपने प्यार में पागल कर दिया था, क्योंकि ये सब याद करके सुनीता एक अलग दुनिया में खो जाती है और सपना देखती है कि वो भी कल्पना की तरह डेनियल को एक झूठी लेकिन प्यार भरी वैसी कहानी सुनाएगी और कहेगी मैं और डेनियल तो बाय चांस एक जगह मिले और डेनियल को काम की इतनी नीड थी कि उसने मुझे कहा प्लीज मुझे कोई काम दिलाओ ताकि मैं कुछ कमा सकूं, लेकिन मैंने भी कहा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन किसी एड में काम कर सको तो मैं दिलवा सकता हूं। और इतने में डेनियल बना संजय सुनीता को पुकारता है और सुनीता अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और प्लेन में बैठे बैठे ही संजय सुनीता को अपने मन की बात कहता है कि उसको सुनीता से प्यार हो गया है और वो बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है और इस तरह सुनीता का आसमान का सपना सच हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।